Kitty, Tom, huh? Wrong number, wrong number, wrong number. Hello? Yes, Vijay. Wrong number. इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया करके 2-3 महीने बाद फोन कीजिए। भैया मैं तुम्हारी आवाज पहचान रहा हूँ, इस रूट की लाइनें व्यस्त हो या मस्त हो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। क्या हुआ सर, दुख रहा तुम्हारा? बॉस कॉल आ रहे। क्या क्या बॉस गए? अब तो हमें कोई नहीं तो खैर बहुत सारे हो रहे हैं एक्चुअली, और फोन किसका आता है ये तो आप लोग शो देखेंगे तो पता चल ही जाएगा, पर एक ऐसा कॉल है जो सबको तितर बितर कर सकता है। हम नहीं चाहते कि सारे घर वाले और सारे बच्चे एक साथ रहे, सारे माँ बाप भी एक साथ रहे तो चलेगा, इस वक्त बच्चों और माँ बाप का अलग रहना ज़रूरी है क्योंकि शायद घर में एक ऐसा मेहमान आने वाला है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसने कहा आपको सनी ने गेटअप लिया? सनी का है नहीं, वो तो घर गया, वो तो रिया के फादर है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं अभी भी टेंशन में हूँ क्योंकि मेरे ऊपर सब आया। आप एक्चुअली वो आप एपिसोड देख लेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, बट हाँ बहुत ही बड़ा मसला है। इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बोल नहीं पा रहे। हाँ यार सच में, और जैसे कि जेडी हैंडल कर रहा है यहाँ पे भी तू ही हैंडल कर ले। हाँ इतना शातिर दिमाग ये यूज़ कर रहा है ताकि इस सिचुएशन से फिलहाल बच सके, टेम्प्रेरी सोल्यूशन ढूंढ रहा है, परमानेंट सोल्यूशन हमारे पास खैर है नहीं। तो यार आई थिंक हमारी बॉन्डेज वैसे ही मतलब तीनों एक दूसरे को सही करते हैं, मतलब ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी बता देते हैं दोनों जगह पे। हमारे तीन के जो सीन्स होते हैं ना, आई थिंक वी एंजॉय दैट द मोस्ट बिकॉज इट्स फन, बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री है, बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता, यू नो पता है कि कौन कैसे रिएक्ट करने वाला है, तो उसका मज़ा अलग होता है। तो हम सीन्स में बहुत सारे टाइम ना ऐसे कुछ इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और हमको पता है कि सीन रुक नहीं जाएगा, फिर भी लोग परफॉर्म करते रहेंगे, तो दैट्स नाइस।